दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई में जीत हमेशा नेवले की होती है और वो सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाता है। लेकिन क्या नेवला सांपों के राजा किंग कोबरा को मार सकता है? आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि नेवला एक निडर जानवर है जो कई बार शेर से भी पंगा ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा दूर से ही अपने जहर को शिकार पर फेंक सकता है, जिस वजह से दूसरे जीव इसके आसपास भी नहीं भटकते। दोस्तों नेवले के शरीर में सांपों का जहर ज्यादा असर नहीं करता, जबकि किंग कोबरा अपने जहर से एक अफ्रीकन हाथी को भी मार सकता है। दोस्तों नेवले की पकड़ बहुत मजबूत होती है, जिसे छुड़ाना नामुमकिन होता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा की लंबाई करीब 18 फीट तक होती है, जिसका फायदा उठाकर ये अपने शिकार को जकड़ लेता है। साथ ही कोबरा को दुनिया का सबसे बुद्धिमान सांप भी माना जाता है। बात करें इन दोनों के बीच लड़ाई की, तो अगर किंग कोबरा ने नेवले को डस लिया तो नेवला कुछ देर के लिए कमजोर हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर कोबरा उसे जकड़कर मार सकता है। लेकिन अगर नेवला हमले से बच गया तो वो कोबरा को बुरी तरह घायल कर सकता है। इसमें कोबरा के जीतने के 40% चांसेस हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? मुझे